हेलो व्यूअर्स, आपके लिए आज रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं। आज की रीडिंग में हम देख लेंगे गाइस कि कोई ऐसा है जो आपके ऊपर अपनी इविल आई लगाकर बैठा है, जिसकी नज़र आपको लग रही है, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हैं, हमेशा बुरा चाह रहे हैं। आपका ऐसा कोई है या नहीं, ये चीज़ें हम देख लेंगे। सभी साइंस के लिए रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे तो आपकी सिचुएशन के साथ मैच होगी और कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इससे ज़रूर मिलेगा। और मेरी रीडिंग यदि आपको पसंद आई तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, बिना देर के हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। देख लेते हैं सच में कोई है ऐसा जिन्होंने आप पर ईवी लाई रखी हुई है। चलिए देख लेते हैं। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर आया गाइज। आपकी पर्सनालिटी ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है गाइज आपकी पर्सनालिटी। आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें ना अगर कोई बिगड़ा हुआ काम भी दे दिया जाए ना, तो आप बहुत ही आसानी से अपना दिमाग लगा के उसको बहुत ही आसानी से ठीक कर लेते हैं। तो जो भी इविल आई है, जो भी इंसान है आपके लाइफ में जो आपके लिए गलत सोच रहा है, उसके लिए आप एक मैजिशियन के एनर्जी में हैं। बहुत ज़्यादा किसी की बात बिगड़ जाए तो आप उसे बहुत आसानी से सुधारते हैं। आपके पास में इतने आइडियाज़ है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आपके पास में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ है। कोई काम अगर रुक गया है, आई मीन ओवरऑल है ना, आप एक क्या कहते हैं उसे, मैजिशियन, मतलब बुरे टाइम में भी एक अच्छा बिहेवियर आप करते हैं, बुरे टाइम को एक अच्छा बनाने की ताकत आप रखते हैं। शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके लिए आपके ऊपर वो एविल आई रखते हैं। ये आपकी पर्सनालिटी अभी मैं बता रही हूँ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड गाइस, आप है ना यहाँ पर क्या कहते हैं, आप अपने लिए भी स्टैंड लेते हैं। और जो इंसान कमज़ोर है, जो इंसान बोल नहीं पा रहे हैं, है ना, आप उनके लिए भी स्टैंड लेते हैं। आप एक बहुत उसे क्या कहते हैं, बहुत पॉइंट वाली बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो गया तो आप एवे कुछ भी बोल देंगे, जो भी मुंह में आ गया। आप वैसे नहीं हैं, बहुत पॉइंट वाली बात बोलते हैं। आपके पास में काफ़ी ज़्यादा प्रूफ्स होते हैं किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स होते हैं। एंड इसी के अलावा ना, काफ़ी ज़्यादा आप एक ऐसे सिचुएशन से, एक तो नहीं बट ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होकर गई है, जिसकी वजह से आप इतनी मैच्योर अभी हुए, एक मैच्योर सोल के रूप में आप इसीलिए आए हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में गॉन थ्रू हुई है और उन सारी चीज़ों से आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीखा है क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। इंसान का एटीट्यूड जो आपके अगेंस्ट खड़ा है या जो आपके साथ है, कैसे आपने उनको पहचानना, मुझे लगता है आप में से कई लोगों को ना साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। एंड साइकोलॉजिकल से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेटेड आप पढ़ती रहती है, है ना। टेन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा फेवरेट है आप अपने फैमिली में गाइज, अपने फैमिली में फेवरेट है आप, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बहुत ज़्यादा फेवरेट है। एंड आप है ना एक क्या कहते हैं उसे, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, एक साइनोश्योर है कि कहीं कोई पार्टी चल रही है लेकिन आप अगर वहाँ पर नहीं है तो डेफिनेटली लोग आपकी बात निकालेंगे कि नहीं ये नहीं है यहाँ पर, अगर ये आएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो ये एक चीज़ यहाँ पर है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा आपके लिए आप फेवरेट है सबके, आपसे चार चांद लग जाते हैं जहाँ पर भी आप जाते हैं। एंड लोग आपका एक्चुअल में इंतज़ार करते हैं, एक सेलिब्रिटी की तरह आपको मानते हैं, आपका एक्चुअल इंतज़ार करते हैं ताकि और ज़्यादा वो लोग माहौल बना सके। तो ये चीज़ें आपकी जो पर्सनालिटी बहुत अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर मुझे आपकी पर्सनालिटी लग रही है। कुछ चीज़ यहाँ पर लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है निगेटिव भी अगर आपके लाइफ पे कुछ चल रहा है ना, आप उसमें भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते। कितना भी आपका बैड टाइम जा रहा है तो हो सकता है कि आप ये सोचे कि हाँ भगवान है कहीं ना कहीं, तो भगवान देख रहे हैं, ये टाइम भी चला जाएगा। तो आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, निगेटिविटी है बट एज़ कंपेरिजन टू, मतलब निगेटिविटी आप पर हावी नहीं होती, आप इस टाइप के यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। चलिए देख लेते हैं आप कौन है ऐसा पर्सन जो एक्चुअल आपके ऊपर ईवेल आई रखा हुआ है। पेज ऑफ कप्स गाइस, ये ना आपसे छोटे हैं, ये जो भी है ना ये आपसे छोटे हैं, रिश्ते में छोटे हो सकते हैं या उम्र में छोटे हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनकी लाइफ में नहीं थे तो लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, ये बहुत ज़्यादा फेवरेट थे लोगों के, काफ़ी सारी चीज़ें इन्हें मिल रही थी। लेकिन आपके आने के बाद में ना, एक और ये बात हो सकती है कि आप कभी ना कभी इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, अच्छी खासी आपकी इनसे बात होती थी, लेकिन अब वो चीज़ें चली गई, कहीं ना कहीं फैमिली में हैं, आपसे छोटे हैं।
या तो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या तो फिर आपसे रिश्ते में कहीं ना कहीं ये छोटे हो सकते हैं, जिनकी इविल आई आपके ऊपर में है। वो अपने अच्छे टाइम को, देखिए आपकी पर्सनालिटी ना बहुत अट्रैक्टिव है, तो ये क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ है कि आप ऑटोमेटिकली जहाँ पर भी आप गए हैं वहाँ पर आप लोगों के फेवरेट बन जाते हैं। बट ऐसा है ना कि कई सारे लोगों को ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है, जो ऑलरेडी वहाँ के किंग या क्वीन है वहाँ पर ये चीज़ों को, वो ऐसी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं हम इनके बारे में जानकारी कि कौन है ये पर्सन, क्या चाहते हैं आपसे। अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पर आएगा, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और कप्स की भी एनर्जी है। तो ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने हमेशा से, इनके फैमिली में इनका ही हुक्म चला हुआ है, जो ये चाहते हैं। एक पैम्पर किड हो सकते हैं या फिर अपने फैमिली में एक ऐसे बड़े इंसान हो सकते हैं जो फैमिली के काफ़ी ज़्यादा छोटे बड़े सारे डिसीजंस ले सकते हैं। एंड जब आप उनकी लाइफ में आए हैं या वो आपकी लाइफ में आए हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं ना एकदम है ना 360 डिग्री बदल गई है। तो ये एक ऐसे पर्सन है, इन्हें ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही कि जो चीज़ें उनसे पूछी जाती थी, उनके हिसाब से जो चीज़ें की जाती थी, अब वो सडनली आपके हिस्से में कैसे, आप ऐसे कैसे लोगों के इतने ज़्यादा फेवरेट हो गए कि अब आपसे सारी चीज़ें पूछ के बड़े बड़े या छोटे छोटे डिसीजन लिए जा रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पर्सन है गाइस, अभी इनको हो सकता है बिजनेस या जॉब में कोई लॉस हुआ है, ये वो पर्सन हो सकते हैं। कोई अमाउंट है उनका जो फ्रीज हो गया हो किसी बैंक में, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका रिसेंटली कोई लॉकर की इनकी गुम हो गई हो एंड बहुत ज़्यादा अपसेट है। कोई आइडियाज़ इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की बट वो वैसे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। इन शॉर्ट ये किसी न किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं गाइस, किसी ऐसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं जो एक्चुअल इनके आसपास में ही है, मगर वो उसे ढूंढ रहे, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है ये तो ऐसे ही पर्सन है। ऑल्सो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी लग रही है गाइस, आप देखिए मुझे तो नहीं पता आप जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं या नहीं, बट ये कहीं ना कहीं वहाँ पर भी लेकर है ना, आपको लेकर थोड़ा सा कैसे कहते हैं निगेटिव वे में चले जाते हैं ये पर्सन। अगर आप जॉब करते हैं इवन तो आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम है, बट ये चीज़ें भी इन जो पर्सन इनको खलती है, इन्हें किस वे में बुरा लगता है ना कि आप उनमें से लोग हैं कि अपनी चादर देख के पैर फैलाते हैं। अगर आप 10,000 भी कमा रहे तो आपके लिए सफिशियंट है, आपने बहुत ज़्यादा की उम्मीद भी नहीं की है। ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में देती है, बहुत तकलीफ़ में चले जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। अब एक देख लेते हैं मैसेज कि ये चाहते क्या है आपसे, इतनी तकलीफ़ क्यों है आपके लिए। ओके, दो कार्ड यहाँ पर आ गए हैं, स्टार एंड नाइट ऑफ वैंड्स। सबसे पहली बात गाइस ना, ये चाहते हैं कि जो आपकी पर्सनालिटी है ना, वो पर्सनालिटी इनके पास आ जाए, जैसे आप है वैसे ये बन जाए, हर किसी के फेवरेट, हर किसी के से क्लोजनेस फील करने लगे। जो आप है 100% ये चाहते हैं और ये वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको कॉपी करना ये शुरू कर दिए हो सकता है ये आपके ऊपर आपको स्टॉक भी करते हैं गाइज, ये जो पर्सन है ना आपको स्टॉक भी करते हैं, भले सोशल मीडिया पे आपके साथ में ना हो बट बहुत ज़्यादा स्टॉक भी करते हैं। इसके अलावा नाइट ऑफ फ्रेंड्स की भी एनर्जी गाइज, ये है ना दो बातें हो सकती हैं, एक तो ये आपके पास में आ सकते हैं, आपके पास में आके बात कर सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा ना एक क्लोज आई आपके ऊपर रख सकते हैं कि आप कैसे करते हैं, खुद को आपने कैसे बदला, खुद में आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन ला रहे हैं, आप कैसे इनके फेवरेट हैं, ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये एक हो सकती है कि ये चाहते हैं कि आप है ना आप भी इनकी तरह बन जाओ, आप भी किसी पर्सन को लेकर झगड़ा करो, आप भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाओ। तो आप दोनों एक मिलकर ना, तो एक वो होता है ना कौन सा बैम्प होती है ना डेली सोप में, हाँ जी, ये मुझे ये जो पर्सन है मुझे काफ़ी हद तक ऐसे ही लग रहे हैं कि एक बैम्प की तरह है, ये चाहते कि हमारी पार्टी में भी आप आ जाओ करके, क्योंकि उनको पता है कि आप जहाँ पे रहोगे ना वहीं पर ही खुशी रहेंगे, वहीं पर ही बहुत सारे आइडियाज़ इनको मिलेंगे, पॉजिटिव निगेटिव एंड आपका काफ़ी जॉली नेचर यहाँ पे मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से ना ये जो वैम भी है, ये जो एक विलन कैरेक्टर भी है, ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस पर्सन के बारे में, इस पर्सन के लिए आपको क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी हम देख लेते हैं। रोज़ गार्डन, रोज़ गार्डन का यहाँ पर
यहाँ पे कार्ड आया है। सो देखिए आपको क्या करना है ना, इनसे दोस्ती भी अच्छी नहीं है आपके लिए और इनसे दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। तो आप बस दूर से अगर आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। जितनी बात करते हैं उतनी जवाब दीजिए, उससे ज़्यादा आपको जवाब नहीं देना है। तो लिमिटेड लिमिटेड, दुश्मनी भी नहीं है अच्छी इनसे, दोस्ती भी अच्छी नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इसके अलावा कीज़ ऑन ट्रीज़ यहाँ पर कार्ड आया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइज। तो इसके अलावा भी गाइज, इन सब सिचुएशन के अलावा भी आपके लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अचीव करना है, इस पर्सन के लिए आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, दैट इज़ फॉर श्योर। बट आपके लिए ना ऐसी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आपने टारगेट करके रखे हैं, आपने प्लान बना के रखे हैं, आपने रेजोल्यूशंस लेके रखे हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है गाइज। उसके ऊपर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ों पर आप, इन सब चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बने ही नहीं है गाइस। किसी वैम्प के लिए आपको हीरोइन बनने की कोई या हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैम्प तो अपना काम करेगी, आप बस अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दीजिए। और अगर आप कर्मा पे भरोसा करते हैं तो नेकी कर दरिया में डाल। चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है, आपको खुद के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हम देख लेते हैं। लिसन, आपको कोई गाइड करने वाले हैं गाइज आपकी लाइफ में, आपकी मदर फिगर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है जो आपको गाइड करेगी। मतलब यहाँ पे मुझे बीचिंग वाली नहीं आ रही है फीलिंग, ना हम बैक बीचिंग करते वो वाली मुझे यहाँ पे फीलिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे ये फीलिंग आ रही है कि हर इंसान को अपनी लाइफ में एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो ये आपकी लाइफ में एक ऐसी गाइड है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी कोई रिश्तेदार हो सकती है, जैसे चाची मामी फीमेल, ये आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी गाइस। एंड आपको ये एक ऐसी पर्सन है ना, ये आपको आपके डिप्रेशन से भी निकाल सकती है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये आई है कि अगर इस सिचुएशन में भी आप सोच रहे, कोई अगर पर्सन है जो आपको बहुत तंग करके रखे हुए हैं ना, आप इनसे मदद ले सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि ये भी, ये जो मदर फिगर है, इनका भी आपको कोई कॉल आ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है और आपको सुनना है। हो सकता है कि आपके नानी हो, दादी हो या मदर हो, एक एज के बाद में ना उनको बहुत बहुत बोलते हैं, तो आपका काम है बस सुनना। आप सुनोगे तो उन्हें शांति मिलेगी। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए गाइस, ये भी देख लेते हैं। एक और कार्ड, ट्रुथ। कुछ ट्रुथ आपके सामने में बहुत जल्दी आ जाएगा। एंड एक और ट्रुथ मुझे यहाँ पे भी लग रहा है गाइस कि आपकी जो किस्मत है ना वो बहुत अच्छी है। भले ही आपने बहुत सारे अप डाउन्स देखे हुए हो, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो आपके लाइफ में हुआ है ना, ये आपके एक क्या कहते हैं, किस्मत खोल देगी आपको। एंड आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा ट्रुथ भी रिवील हो सकता है आपके फैमिली से रिलेटेड, या आपके जहाँ पर आप जॉब करते हैं, वर्क करियर से रिलेटेड बहुत बड़ा ट्रुथ भी रिवील होगा, जो आपको एक न्यू वे में एक अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। मेरा चैनल आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, ऑल्सो शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।